हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन वीडियो के अंत में डिसाइड करके। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस बुक की, और जो वर्ड्स की शुरुआत होगी वो अल्फ़ाबेट होंगे आपके आई, जे, के और एल। इससे पहले के जो भी अल्फ़ाबेट थे वो सभी हमने कवर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इस बुक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं केवल वो ही मैंने पॉइंट हाईलाइट करे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम, और जिनकी आने वाले एग्ज़ाम में प्रायोरिटी बहुत अधिक है। केवल वही वर्ड आप सामने देख रहे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं। अगर आपको ये सभी वर्ड पहले से पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके इंग्लिश में तैयारी बहुत ही बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बट एक छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। एक ब्लैंक पेज, एक खाली पेज अपने साथ में लेके बैठिए, इन सभी वर्ड को पेन डाउन करिए, मतलब उसमें लिखिए, और उसके बाद इसका रिवीजन पक्का करना आप लोग, ठीक है? रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा। चलिए, वर्ड नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, इग्नोरेंस। देखिए, एक होता है इग्नोर करना। यार, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे सामने से वो दिखाई दिया राहुल, और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर का मतलब क्या होता है? अनजान बनना, किसी के प्रति अज्ञान पैदा करना। आप रास्ते में गए, आपको भी बेस्ट फ्रेंड है, छोटी मोटी बात पे कभी झगड़ा हुआ होगा, तो आपको वो मार्केट में दिखाई दिया, लेकिन उसने क्या करा, आपको इग्नोर कर दिया। हम कहते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं, तो उसी से बना है आपका इग्नोरेंस। इग्नोर से क्या बना है? वो बना है आपका इग्नोरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अज्ञानता। और एग्जाम में आपको ये वर्ड देगा और पूछेगा इसका सिनोनिमस क्या है, मतलब इसका साइनो क्या है। सिनोनिमस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइनो, याद रखना, शॉर्ट फॉर्म क्या है सिनोनिमस की, वो है साइनो। और मैं मैक्सिमम साइनो वर्ड ही यूज करूंगा आपके सामने, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, इसका जो एग्जाम में जो आपको देगा ऑप्शंस ए बी सी डी, कहीं एक जगह आपको मिलेगा क्या? ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन तो ये जो लास्ट जो वर्ड है, यही एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में आपको देखने को मिलता है और आगे भी मिलेगा, तो इसलिए प्लीज इसको याद करना। आगे बात करते हैं इलीगल। भैया, इलीगल है, ऐसा मत करो। देखो, बिजली चोरी करना क्या है? लीगल है, इलीगल है, इलीगल तो बस गैर कानूनी, ये आपको पता होगा। लेकिन बात करते हैं, जब ऑप्शन सामने आता है ना एग्जाम में, तो हमको वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि गैर कानूनी का वास्तव में अर्थ क्या होगा, ए बी सी डी इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपका अनलॉफुल या इलिक्ट। तो इलिक्ट की प्रायोरिटी भी बहुत ज्यादा है। अनलॉफुल जो मतलब कि लॉ से क्या हो, अन हो, गैर हो, गैर कानूनी फुल जो हो वो होता है अनलॉफुल। तो कॉमन सी चीज है, आपको चल जाएगा पता है यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा सिनोनिमस। लेकिन सिनोनिमस अगर आपको दे दिया उसने इलिक्ट, तो इलिक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका रिविजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा कि इलीगल का सिनोनिमस क्या होता है, वो होता है इलिक्ट। इसको इलिसाइट बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, इसको कुछ लोग इलिसाइट बोलते हैं। वर्ड नंबर थर्ड, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है आपका सुसज्जित करना, प्रकाश युक्त करना, लाइट अप। वर्ड नंबर फोर, इमीडिएट। इमीडिएट करो, फटाफट काम करो, जल्दी करो, तुरंत करो, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, अति समीप। और इसका जो समानार्थी शब्द होगा, सिनोनिमस का होगा आपका इंस्टेंट एंड प्रमोट। वर्ड नंबर फाइव, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, हुज, लार्ज, वास्ट। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा वो होगा आपका इनॉर्मस। वर्ड नंबर सिक्स है आपका इम्पोलाइट। देखिए, पोलाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ा पोलाइट बात करो बच्चों से, बच्चों से बोलने का तरीका होता है थोड़ा पोलाइट, मतलब प्रेम, सभ्य, शिष्ट, शिष्टाचार, आदर के साथ बच्चों से बात करो। अगर उसके आगे लग जाए आई एम, तो ये क्या होगा इसका अपोजिट, असभ्य, अशिष्ट, बदतमीज, नालायक, बड़बोला, ठीक है? ये सब के सब क्या होंगे इसके
हिंदी में आर्ट्स होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको जो सिनोनिम्स देगा वो देगा आपका कोर्स एंड रफ। वर्ड नंबर 7, इंसिडेंट। इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ आपको कि जब आपको बचपन में मुर्गा बनना पड़ा हो काफी लंबे समय तक स्कूल में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंसिडेंट, मतलब वो आपके लिए क्या है, घटना है। घटना पॉजिटिव भी हो सकती है, घटना नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो है इसका सिनोनिम्स आपको याद करना है केवल एक, वो है आपका क्या, ऑक्यूरेंस। क्या है वो आपका, ऑक्यूरेंस, ये याद करना है आपको वर्ड। वर्ड नंबर 8, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके, अकेला अकेला। कोई एक काम है आपको, जैसे घर में कोई काम दिया, एक काम होता है कि आप इंडिविजुअल करोगे, एक होगा आप समूह में मिलके करोगे, ग्रुप में करोगे। और इसका जो एग्जाम में जो आपको समानार्थी शब्द देगा वो देगा आपका फेलो, पार्टी पर्सन एंड सोल। वर्ड नंबर 9, इनोसेंस। इतना इनोसेंस मत बनो, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कितना इनोसेंस लग रहा है बच्चा, ओले ओले ऐसे बोलते हैं। तो इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष, किसी ने कुछ करा ही ना हो, काफी ऑनेस्ट पर्सन। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, लगते हैं ना काफी इनोसेंस से, मतलब गलती करने के बाद में सामने खड़े हो जाएंगे, कोई अगर उन्हें गिलास तोड़ दिया कांच का, ठीक है ना, और बाद में ऐसे फेस कर लेंगे, वो फेस कैसा लगता है उनका, इनोसेंस, निर्दोष। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा आपका चास्टिटी एंड ट्रस्टफुलनेस। वर्ड नंबर 10, इंटरनल। इंटरनल, ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आपकी इंटरनल है। घर की तकलीफ क्या होती है, इंटरनल तकलीफ होती है, मतलब डोमेस्टिक होती है, मतलब इंटीरियर होती है। एग्जाम में आपको इंटरनल ये वर्ड ऐसे बहुत कम देता है, लेकिन एमटी जैसे एग्जाम में या फिर आपका ग्रेड डी के एग्जाम में ये बेसिक वर्ड पूछ लेता है आपसे, लेकिन एसएससी सीजीएल में ये वर्ड नहीं आएगा, एलडीसी में भी नहीं आएगा, एमटीएस में आने की प्रायोरिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना। अगला वर्ड है आपका इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक करना, अटैक का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। और इसका जो सिनोनिम्स होगा आपका, सिनोनिम्स आपको याद करना है रेड एंड सीजर। वर्ड नंबर 12, आइसोलेटेड, मतलब अलग करना किसी चीज को, निर्जन करना। और इसका जो सेम अर्थ होगा, सेम मीनिंग होगा इसका क्या, सॉलिडरी। तो सॉलिडरी ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर जे से शुरू होते हैं, तो जे से शुरू होने वाले वो है आपका जेलिस। जेलिस मत कर उससे, जेलिस मत कर मतलब ईर्ष्या मत कर, घृणा मत कर, नफरत मत कर। और इसका जो सेम मीनिंग होगा वो होगा आपका राइवल एंड सस्पिशियस। वर्ड नंबर 2, जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा, वोएज, ट्रिप, टूर, ट्रेवल। वोएज इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर 3, जुडिशियस, न्यायुक्त घोषित। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, न्याय से संबंधित होता है, और इसका सेम मीनिंग रहेगा आपका प्रूडेंट, और एग्जाम में आपको प्रूडेंट ही देखने को मिलेगा अधिकांश एग्जाम में। वर्ड नंबर 4 है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है मिलने का स्थान, कहते हैं ना वो जंक्शन आ गया है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में मिलने का स्थान, तो जॉइंट, मीटिंग पॉइंट एंड लिंकिंग। अगर आप किसी फ्रेंड से बाहर मिलने जा रहे हो तो उससे पूछो कि जंक्शन पॉइंट क्या रहेगा, बता कहाँ मिले, शनि मंदिर के पास मिले या उस पार्क में मिले या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो आपका क्या हुआ, जंक्शन। वर्ड नंबर 5 है जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय एंड लेजिटिमेसी या लेजिटिमेसी। वर्ड नंबर 6 है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब न्याय करना, निर्दोष बतलाना, और यह है आपका पार्डन। वर्ड नंबर 7, जुविनाइल। जुविनाइल का मतलब होता है जो छोटे बच्चों का जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट, तो उसको बोलते हैं जुविनाइल कोर्ट। तो वहां पे क्या होते हैं, छोटे बच्चों के जो मुकदमे वगैरह होते हैं तो वो वहीं पे लड़े जाते हैं। तो इसका जो समानार्थी शब्द होगा, सेम अर्थ होगा, सिनोनिमस होगा, वो होगा आपका एडोलसेंट। एडोलसेंट। वर्ड नंबर 8, कीप। कीप का मतलब होता है अधिकार रखना, बचाना। सेम मीनिंग होगा इसका पॉसिस एंड रिटेन। वर्ड नंबर 2 है आपका किल। किल का मतलब आई किल यू, मैं तुझे मार दूंगा, नष्ट करना, हत्या करना। और इसका सेम मीनिंग रहेगा आपका एसेसिनेट एंड बच्चर। और वर्ड नंबर 3 है आपका काइंड। काइंड का मतलब दयालु, जेनेरियस एंड मर्सीफुल। वर्ड नंबर 4, नॉक। नॉक करके आना कभी भी, कहते हैं ना नॉक करा मैंने तेरे गेट पे, लेकिन तूने खोला ही नहीं, कोई था ही नहीं शायद। नॉक का मतलब होता है खटखटाना।
और इसका सेम मीनिंग रहेगा आपका ब्लो, हिट एंड स्ट्राइक। वर्ड नंबर 5 नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, आपको ये पक्का पता होगा। लेकिन ऑप्शंस अगर आपको एग्जाम में ये मिल जाए तब क्या करोगे? परसेप्शन अगर आपको एग्जाम में मिल जाएगा तो शायद आपके कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि यार किसका राइट आंसर क्या है। इन्फॉर्मेशन तो आप कर लोगे आराम से कि हाँ चल ठीक है ये राइट हो सकता है, बट एग्जाम में मैक्सिमम आपको मिलता है ये ऑप्शंस। वर्ड नंबर 6 है आपका नॉन। नॉन का मतलब होता है अपरिचित, और इसका सेम मीनिंग रहेगा आपका ऑब्वियस, पॉपुलर, फेमस एंड फैमिलियर। देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए एक होता है आपका लेबरस, लेबर्स से बना है आपका लेबरस। तो लेबर क्या होती है? लेबर जो काम करती है, परिश्रम करती है, उद्यमी जो होती है, तो उसी से ही निकल के बना है आपका लेबरस। तो इसका अर्थ क्या होता है? काम करने वाले, परिश्रमी, उद्यमी। अब एग्जाम में इसका सेम मीनिंग जो आपको ऑप्शंस में देगा, या तो दे सकता है आपका अपहील, या दे सकता है आपका टायरसम। टायर का मतलब क्या होता है? थकावट, टायरसम। वर्ड नंबर सेकंड सेकंड जो है वो है आपका लैंड लॉर्ड, मतलब मकान मालिक, जमींदार, जिसकी जमीन होती है, ऑनर एंड प्रोपराइटर एंड होस्ट। तो एग्जाम में आपको प्रोपराइटर या फिर होस्ट दोनों में से कोई एक वर्ड पक्का मिलेगा। आगे बात करते हैं लाफ्टर। लाफ्टर मतलब हंसने वाला व्यक्ति। और एम्यूजमेंट, मैरीमेंट एंड गिगलिंग। वर्ड नंबर 4 लिस्योर मतलब अवकाश, विश्राम, और इसका सेम मीनिंग होगा आपका क्या? स्पेयर टाइम, वैकेशन, रिलैक्सेशन, हॉलीडे। वर्ड नंबर 5 लीथल। लीथल का अर्थ होता है आपका प्राण घातक, मतलब प्राण घातक मतलब कि मनुष्य को संकट में डालने वाला। फैटल, नॉक्सियस, पॉइजनियस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें से हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी बुक, अपने नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट करना है, एग्जैक्ट, कुछ भी स्किप मत करना। वर्ड नंबर 6 है आपका लिटरल मतलब मूलार्थक, फैक्चुअल, सिंपल, एक्चुअल एंड स्ट्रिक्ट। इसका अर्थ होता है वास्तव में हिंदी में बिल्कुल सेम। हाँ, लिटरल का मीनिंग। और देखिए लिथल एंड लिटरल में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, लिटरल होगा ये और ये होगा आपका लिथल। वर्ड नंबर 7 है आपका लोथसम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथसम मतलब नेगेटिव सेंस आता है, मतलब किसी से हेट करना। लोथसम का मतलब होता है नफरत करना, घृणित करना। और यहाँ पे आपको याद करना है केवल एक नेस्टी एंड ऑडियस। वर्ड नंबर 8 है आपका लवर। लवर मतलब स्त्री का प्रेमी, और इसका सेम अर्थ होगा आपका एडमायरर। वर्ड नंबर 9 लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब होता है आपका चिकना करना, किसी चीज को काफी मुलायम करना। ग्रीस, ग्रीस कैसे होता है? जो ग्रीस आप होली में यूज करते होंगे कभी कभी, तो ग्रीस क्या होता है? काफी चिकना होता है, एक ऑयल सीमर होता है और एक वैक्स होता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 10 लक्सीरियस का मतलब होता है लग्जरी लाइफ। लग्जरी क्या होता है? लग्जरियस से बना है लग्जरी। लग्जरी लाइफ कैसी होती है? काफी एवन लाइफ। एवन लाइफ कैसी होगी? जो सुखी से भरपूर होगी, जिसमें क्या होगी? काफी खुशी होगी, हैप्पी होगी। तो ये वहीं से बना है और इसका सेम अर्थ होगा आपका लैविश। वर्ड नंबर 11 लग्जरी। आ गया लग्जरी। लग्जरी का मतलब क्या होता है? विलास, विषय सुख, बहुत ही परमानंद। और इसका सेम मीनिंग होगा आपका प्लेजर एंड डिलाइट। क्या होगा? प्लेजर एंड डिलाइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। आप चाहे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए कौन कौन सी बुक आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको नहीं पता उस बुक के बारे में, तो उस बुक के वीडियो पर क्लिक करिए, अपने साथ में वो बुक को लेके बैठिए और सेम हाईलाइट करिए, सेम टाइम पर उस वीडियो को जब भी आप देखेंगे लाइव, तो उस वीडियो पे जैसे जैसे मैं हाईलाइट करवाऊंगा सेम आपको उसी तरह से हाईलाइट करना है। या तो देखिए मोटी बुक देख करके आप डर जाइए, कुछ बच्चे होते हैं कि जो बुक है आप देख रहे हैं सामने, ये बुक बच्चे परचेस कर लेते हैं लेकिन इसकी मोटाई देख करके इतनी मोटी होती है कि लोग इसके 4-5 पेज से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते, और वो रखी ही रखी रहती है हमेशा के लिए बुक सेल्फ में, आपके बुक के रैक में। तो इसलिए बुक को उठाइए, कितना पढ़ना है वो सभी आपको बता रखा है मैंने, इसी तरह से मैंने हाईलाइट कर रखा है जैसे अभी आपने वीडियो देखा।
तो फ्रेंड्स, मेरी कहने का मतलब क्या आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाइक का रेशियो बहुत कम आ रहा है। अगर लाइक का रेशियो बहुत कम रहेगा तो ये वीडियो उन व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएगा, उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाएगा जो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो महंगी महंगी बुक को परचेज़ नहीं कर सकते, या फिर महंगे महंगी सिटी में जा कर के, दिल्ली ऐसे महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में जा कर के क्लास नहीं ले सकते। तो कम से कम उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आपको बस केवल छोटा सा कष्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करना है। लेकिन उसको ही शेयर करना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? उसे शेयर मत करना कि जो आपका फ्रेंड अकाउंट्स का कोई CA कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, तो उसको शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर उसको ही करना है, उसको ये लिंक भेजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।